तो गाइस कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोन में बहुत अमेजिंग अमेजिंग ऐप्स होते हैं और हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो दूर रहते हैं, हमारे आसपास नहीं रहते, या फिर हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं कि यार ये वाला ऐप हमें भेज दे व्हाट्सएप पे। अब आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट्सएप पे ऐप कैसे भेजते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही तरीका बताने वाला हूँ कि आप व्हाट्सएप पे किसी को भी कोई भी ऐप कैसे भेज सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो। और साथ ही साथ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आप लोग व्हाट्सएप को कितनी देर इस्तेमाल करते हो एक दिन में, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर एक घंटा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मिस्टर एम फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग व्हाट्सएप पे किसी को भी कोई भी ऐप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके के लिए हम लोगों को क्या करना है कि प्ले स्टोर में चलना होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्ले स्टोर में आ गए हैं और अब हम लोगों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च बार में आ जाता हूँ और यहाँ पे हमें सर्च करना होगा बैकअप, ठीक है। वैसे आप लोगों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऐप हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है, मैं सिंपली इसे डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ऐप्स बैकअप एंड रिस्टोर इस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रही है और विद इन अ सेकेंड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी क्योंकि हमारा इंटरनेट ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो ऐप है इंस्टॉल हो गई है, अब हम लोगों को सिंपली इसे ओपन करना होगा। अब जैसे मुझे कोई भी ऐप भेजना ना, उससे पहले यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको परमिशन वगैरह देनी होगी। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ सारी चीज़ में। अब एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे कोई ऐप भेजना हो तो यहाँ पे मैं कोई ऐप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड को कोई कौन सी ऐप भेजनी है, एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ ये वाली एप्लीकेशन मुझे मेरे दोस्त को भेजनी है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे बैकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा तो इस एप्लीकेशन का बैकअप हो जाएगा और ये एप्लीकेशन आर्काइव वाले सेक्शन में आ जाएगी। तो हम लोग आर्काइव में आ जाते हैं। अब हमें सिंपली इस एप्लीकेशन पर टिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे हम लोगों को शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शेयर पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में भेज लेता हूँ ये एप्लीकेशन, मतलब मेरा जो दूसरा फ़ोन है इसमें मैं भेज देता हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से ये एप्लीकेशन जाना स्टार्ट हो गई, ये देखिए। तो गाइज ये तो पहला तरीका हो गया, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। अब जो दूसरा तरीका ना, ये लिमिटेड फ़ोन्स में वर्क करता है, मतलब ऐसे सारे फ़ोन में वर्क नहीं करता, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाला तरीका सेकंड नंबर पर बता रहा हूँ। लेकिन ये जो तरीका है वो सबसे ईजी भी है। तो एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एप्लीकेशन भेजनी हो, जैसे हम लोगों ने यही एप्लीकेशन अभी रिसेंटली भेजी थी उस ऐप के जरिए, तो जस्ट आपको क्या करना है, अपने फोन में इस तरीके से टैप करना है और अगर आप लोगों को उसके बाद शेयर का ऑप्शन आ रहा है तो सिंपली आपको शेयर वाले बटन पे क्लिक कर देना है और व्हाट्सएप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अगेन इस तरीके से आप लोगों को जाकर यहां पे एप्लीकेशन को सेंड कर देनी है। तो जो एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली इस तरीके से यहां पे सेंड हो जाएगी। अब मैं आपको मेरे दूसरे फोन में बता देता हूं कि यह एप्लीकेशन किस तरीके से यहां पे काम करती है। तो ये रहा मेरा दूसरा फोन और सिंपली हम लोग यहां पे व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। तो यहां पे हम लोग व्हाट्सएप में आ जाते हैं। व्हाट्सएप कहां रहा हमारा, व्हाट्सएप में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। इस तरीके से कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो सिंपली हम लोग मान लेते हैं कि मेरे दोस्त के पास वो एप्लीकेशन पहुँच गई है। तो मेरा दोस्त सिंपली उस एप्लीकेशन पे टैप करेगा, ओपन करेगा और उसे डायरेक्टली इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा और वो एप्लीकेशन इस तरीके से इंस्टॉल करके यूज़ कर सकता है। और आप लोग ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हैं।